आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टार पे। दोस्तों आप जैसा कि देख रहे होंगे आज मैं कितना खुश हूँ, इसका एकमात्र कारण क्योंकि प्रकृति के पास हूँ। दोस्तों हम तरस जाते हैं इन जगहों पे आने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हम एक चट्टान पे बैठे हुए हैं, मेरे मित्र हैं जो वो भी चट्टान पे बैठे हुए हैं। आज मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना और शैल का निर्माण, शैल चक्र और ये शैल होते क्या हैं इनके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। दोस्तों मैं बस इतना कहूँगा कि पृथ्वी जैसी भी है बहुत सुंदर है, हमें इसे बचा के रखना है जितना संभव हो सके। आप देख रहे हो कि यहाँ पे कई किस्म की चीज़ें दिख रही हैं, जैसे पत्थर। आप नीचे जाओगे तो मैदान, उसके थोड़ा पास आओगे इस पहाड़ी के नीचे जाओगे तो आपको पठार भी दिखेगा छोटा सा, या फिर कंकड़ दिखेंगे। तो इसका कारण है, देखिए इस पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है ना, वो तीन परतों में बना है। जैसा कि भूवैज्ञानिक स्विस ने कहा है कि भाई यह जो संरचना है यह भूपर्पटी यानी कि उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके बाद मेटल है जिसमें ऊपरी मेटल और निचली मेटल अगर बांटे तो, उसके बाद जो है वो है क्रूड। तो इसमें क्या है कि जो भूपर्पटी है या क्रस्ट है यह सी आल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्वों से बना है, जो भूपर्पटी पर एल्युमिनियम जैसे तत्वों की अधिकता पाई जाती है। अब हमने देखा कि भूपर्पटी पर सिलिका है, एल्युमिनियम है, और जब हम बात करते हैं क्रस्ट की और मेटल की, तो मेटल जो है दोस्तों यह मोहो असंबद्धता द्वारा जुड़ा हुआ है। मेटल और क्रस्ट के बीच में एक असंबद्धता है मोहो, यह मोहो नामक भूवैज्ञानिक थे जिनके नाम पर कर दिया गया। अब हम जो ही 0 से 35 किलोमीटर अंदर गए पृथ्वी के अंदर, तो हमारा क्रस्ट समाप्त हो जाएगा। 35 किलोमीटर से जब 700 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमारा ऊपरी मेटल आएगा, उसके बाद 700 से 2900 किलोमीटर तक जो है वह मेटल का निचला मेटल आएगा, और मेटल वहां से समाप्त, वहां पे गुटेनबर्ग एक असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी है, जहाँ से क्रोड स्टार्ट हो जाता है। और क्रोड लगभग 6270 के करीब जाता है किलोमीटर तक, वहाँ से क्रोड भी समाप्त हो जाता है। तो ये बात हो गई आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, जो कि स्विस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था तीन परतों में, मैंने बता दिया। और याद रखिएगा मेटल में सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम दो तत्व पाए जाते हैं, और क्रोड में निफे यानी कि निकिल और फेरस यानी कि लोहा पाए जाते हैं। अब जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा मेंटल है वह मैग्मा का चैम्बर है। अब जहाँ भी हमारा क्रूड वाली चीज़ें जो क्रस्ट है वो पतला पड़ता होगा तो वहाँ से विस्फोट होता है भयंकर सा, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। विस्फोट के साथ ही भूकंप आता है, सुनामी आती है और ज्वालामुखी जैसा दिखता है, और उसमें से बहुत तेज़ी से बेंत के माध्यम से, जो जहाँ से निकलता है बेंत के माध्यम से लावा ऊपर की तरफ आता है और वह धरातल पर फैलने लगता है। तो उस लावा के साथ जलवाष्प भी आता है, विभिन्न प्रकार की गैसें भी आती हैं, और वह लावा जो ही जब अंदर आता है तो मैग्मा कहते हैं, लेकिन जो ही बाहर निकलता है धरातल पे वो लावा का रूप धारण कर लेता है और वो ठंडा होने लगता है। ठंडा होते होते दोस्तों वह एक प्रकार का शैल बन जाता है जिसे हम अग्नेय शैल कहते हैं। अग्नेय शैल से समझिएगा कि जो ही लावा ठंडा होता है तो वह अग्नेय का रूप धारण करता है, और उसके बीच में जो भी चीज़ें आएंगे पूरी तरह से जल जाती हैं। तो हम कहते हैं कि अग्नि चट्टान जीवाश्म रहित होती है, ठोस होती है, और उसमें धात्विक चीज़ें पाई जाती है, न कि कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें जल गई, कुछ तो बचा ही नहीं, तो धात्विक चीज़ें पाई जाएंगी। उसी प्रकार जब हम बात करते हैं कि अग्नि चट्टान जब टूटता है, छोटे छोटे कणों में टूटता है, तो वह अवसादी चट्टान में, और देखिए जब चट्टान टूटते हैं तो उसे अपरदन कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, टूटना, कणों में टूटना अपरदन कहलाता है। अब सोचिए ये छोटे छोटे बड़े से चट्टान थे, ये छोटे छोटे चट्टान हम टूट रहे हैं ना, अब यह हमारा अवसाद है। अब यह यहाँ से ढिंगलते हुए चला जाएगा, एक समय होगा बहुत नीचे तक। अब जो ही नीचे जाएगा तो इस पर फिर मिट्टी के परत पड़ते जाएंगे और चट्टान पड़ते जाएंगे, तो एक ताप दाब के कारण यह बलुआ पत्थर में बदल जाएगा, चूना पत्थर में बदल जाएगा, कोयला पत्थर में बदल जाएगा, क्योंकि इसके साथ वनस्पतियाँ भी जाएंगी और जीव जंतु भी दब जाते हैं जाके समुद्रों में और जो तली में बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा अवसादी जो चट्टान है इसमें चूना पत्थर, कोयला, बलुआ पत्थर ये सब आ जाते हैं। अब देखिए
यहाँ पे हमने देखा कि, और ये देखिए जो शादी चट्टान ये परतदार होते हैं, आप देख रहे होंगे कि यह विभिन्न परतों में, इधर देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये जो है सिस्टम, इधर ये परतदार है। देखिए ये छोटे छोटे, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, यह कई परतों में बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये कई परतों में बना है। यहाँ से हम पत्थर का ईंट बना सकते हैं, यहाँ से हम पटिया निकालते हैं, और इन्हीं को तोड़ने के बाद इन्हीं के बीच में हो सकता है कि कोयला हो सकता है कि यहाँ पे जीव जंतु अगर दबे रहे हों तो पेट्रोलियम निकल जाए। तो विभिन्न प्रकार की जो परतदार चट्टान होती है वह अवसादी चट्टान कहलाती है। इसमें खनिज तेल, कोयला, ये सब मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टान। अब हम बात करते हैं इसी का रूपांतरण, जिसे हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। अब यह सोचिए छोटे छोटे भागों में, देखिए टूटा हुआ है ना, ये देखिए ये सब टूटा हुआ है, देखिए ये टूटा हुआ भाग अब धीरे धीरे जाएगा। तो इसके साथ जाहिर सी बात है, अगर चूना पत्थर होगा तो चूना पत्थर भी अंदर जाएगा, कोयला होगा तो कोयला भी अंदर जाएगा। तो वो जा करके इस तरीके से देखिए यहाँ पर जा करके ये दब जाएंगे, यहाँ पर जा करके ये कहीं ना कहीं जा करके दबेंगे, और दबेंगे तो यही चूना पत्थर और ताप दाप पड़ने से संगमरमर का पत्थर बन जाता है, जिसे हम कायांतरित कहते हैं। स्लेट, जिसे हम कायांतरित कहते हैं। नीस, जिसे हम कायांतरित कहते हैं। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो शैल तीन प्रकार के होते हैं, अग्नि, अवसादी और कायांतरित। और तीनों की विशेषताएं ये है कि एक जो अग्नि है उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, वो बहुत कठोर होता है, उसमें धातु चीज़ें पाई जाती हैं, सबसे पहले उसी का निर्माण हुआ था, उसके बाद अवसादी चट्टान और उसके बाद जा करके कायांतरित। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा ये यहाँ का वातावरण और चीज़ें। आप देख रहे होंगे मैं इन चट्टानों पर टहल करके कितना आनंद ले रहा हूँ। आप यहाँ भी देखिए सब कुछ इतना लाजवाब है, हवा लग रही है। मैं तो कहूँगा हर किसी को एक दिन के लिए ही सही प्रकृति की गोद में जाना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि हमें उसका जो है रक्षा हमें कैसे करना है। और हर कोई वृक्ष लगाए, चीज़ों को समझे। दोस्तों ये देखिए इधर पहाड़ियाँ, ये पहले बहुत हरी भरी थी, ये देख रहे हैं ना, ये हरी भरी थी। आप देखेंगे दूर तो ट्रैक बना हुआ जहाँ पे बच्चे दौड़ते हैं। ये पहाड़ियों को फिर से हरा करना है और यही संकल्प के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।